एक और बड़ी खबर आ रही है और यह है खेरसौन इलाके से। खेरसौन जो है वो पहला शहर था जिसे रूसी सेना ने दावा किया था कि उनके कब्जे में आ गया है। यहां से कुछ तस्वीरें आई हैं कैसे खेरसौन में रूसी सेना का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों ने रूसी सेना का रास्ता भी रोका। जरा सुनिए इस वीडियो में क्या सामने आया है। तो देखिए स्थानीय लोग जो हैं वो रूसी सेना के ट्रक्स को रोकते नजर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं रूसी सेना का, वहां के सैनिकों का। रूस ने यह दावा किया था कि सबसे पहले खेरसौ उनके कब्जे में आ गया था, लेकिन स्थानीय लोगों में जो ये रूस के खिलाफ एक कार्रवाई है वो सामने आ रही है। किस तरह से नारेबाजी लगा रहे हैं अपनी भाषा में, उन्हें वापस जाने का शायद निर्देश दे रहे हैं। कर्नल दानवीर, लोकल रेजिस्टेंस जब सामने आ जाए तो फिर जो अग्रेसर है उसे कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए एज अ ट्रेंड सोल्जर आप देखें कि आगे मुजाहरा हो रहा है, लोग उनको वापस जाने के लिए कह रहे हैं, और एज अ गुड ट्रेंड डिसिप्लिन सोल्जर्स वो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, चाहे वो फायर हवा में करना हो या किसी तरीके की धक्का मुक्की। आई थिंक ये भी एक प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। लेकिन जो आपका जो लार्जर पॉइंट है कि अगर लोकल पॉपुलेशन आपके सपोर्ट में नहीं है तो वो कितना मुश्किल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स द जस्टनेस ऑफ वॉर। जस्टनेस ऑफ वॉर किस तरफ है ये विजुअल्स बताते हैं कि क्या आप वॉर के सही साइड पे खड़े हैं या रॉन्ग साइड पे खड़े हैं। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है इस तरीके की डेमोन्स्ट्रेशन से। और ये आप देख रहे हैं कैसे रशियन सैनिक को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विरोध तो विरोध है, वो सेंटिमेंट है, वो स्पिल ओवर किया है स्ट्रीट्स के ऊपर और वो देखने में आ रहा है। और प्रणय, आपको मैंने पहले रोका था, हम लीव के हालात का जायजा ले रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं खेरसौन से प्रणय, ये एक बार फिर से यूक्रेन के लोगों का जज्बा सामने दिखाती हैं और उसी का एक तरह से एग्जाम्पल बने हैं खुद राष्ट्रपति यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, जो समय समय पर अपने वीडियो रिलीज करते रहते हैं, बोल रहे हैं अंतिम सांस तक डटा रहूंगा। न केवल इतना है प्रीति, बल्कि उन्होंने, मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर भी, इससे पहले हम कीव में थे, वहाँ भी हमने देखा कि किस तरीके से एक पीपल्स मूवमेंट इस पूरी लड़ाई को उन्होंने बनाने की कोशिश की है। जिस तरीके से लोग यहाँ भी लगे हुए हैं अपने काम के अलावा, जो रोज़मर्रा का काम है उसके अलावा, जिस तरीके से मिलिट्री नेट बुने जा रहे हैं, लोग अपने घरों से कंस्ट्रक्शन का सामान निकाल कर जो चेक हेजहॉग्स या जो ब्लॉकेड्स हैं वो बना रहे हैं, कि कोई फैक्ट्री है, बियर फैक्ट्री है, उसने अपनी जो प्रोडक्शन है वो रोक के मोल्टोवा बम बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से लोग भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहूँगा, कर्नल दानवीर उस चीज़ को देखेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को समझा पाएंगे, कि अगर आप देखें कि लुहांस्क और दानियास्क के इलाके से लेकर खेरसौन तक के इलाके तक, यानी जो सी ऑफ अजोव है और ब्लैक सी है, इस पूरे जो सी कोस्ट को रशिया ने एक तरीके से ऑक्यूपाई किया है, इस पर अटैक ज़्यादा है। यानी अगर यहाँ पर रूसी कब्जा हो जाता है, रूसी नियंत्रण स्थापित हो जाता है फिलहाल के लिए इस लड़ाई के दौरान भी, तो यूक्रेन पूरी तरह से एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा, यानी उसका जो समुद्री किनारा है उसके ऊपर अटैक ज्यादा है, चाहे वो मारियापोल हो, मेलिटोपोल हो या खेरसौन हो, इस पूरे जो कोस्टल लाइन है इसके ऊपर अटैक ज्यादा जोरदार तरीके से हुआ है। और साथ ही जो नॉर्थ की तरफ से कहा जाए या बेलारूस की तरफ से जो फोर्सेस दाखिल हुई थी वो कीव की तरफ आगे बढ़ रही है, चाहे जैतोमेर का के आसपास, जैतोमेर ओब्लास्ट का हो या कीव के आसपास के जो इरपिन का शहर है इसके ऊपर। तो ये जिस तरीके से टू प्रॉन्ग अटैक किया गया है दोनों तरफ से, नॉर्थ से भी और साउथ की तरफ से, और खासतौर पर जो सी कोस्टल लाइन है, तो यानी समुद्री संपर्क तोड़ने की कोशिश है यूक्रेन का। जी मेरे ख्याल से आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया ये जो पूरी स्ट्रेटजी हो रही है, और कर्नल दानवीर से भी आपने सवाल पूछा उसी के सिलसिले में। कर्नल दानवीर, आप सहमत हैं जिस तरह से प्रणय ने बात की? बहुत अच्छा आकलन किया है प्रणय उपाध्याय ने, बिल्कुल स्ट्रेटजिक असेसमेंट इनका बिल्कुल बैंग ऑन है। और ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है स्पेशली इन द साउथ और दोनबास के रीजन में, ये बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है यूक्रेन की उसको डिमिनिश करना, उसको ख़त्म करने की है, क्योंकि किसी भी मुल्क
अगर कोई मुल्क लैंडलॉक हो जाता है तो उसकी वो स्ट्रेटेजिक अहमियत नहीं होती है। इसको आप और भी लैंडलॉक कंट्रीज़ के साथ मिला के देखिए तो आपको समझ में आएगा, आपका ट्रेड इफेक्ट हो जाता है, आपकी जियोपॉलिटिकल वैल्यू कम हो जाती है और आपको लड़ाई जैसे हालात में कोई रीसप्लाई करना चाहे, कोई आपकी मदद करना चाहे जिससे आपकी विल टू फाइट स्ट्रॉन्ग बनी रहे, वो भी कमज़ोर पड़ती है। तो इस लिहाज से देखा जाए जितने भी सदर्न पोर्ट सिटीज़ हैं इनके ऊपर कब्जा करना बेसिकली स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में यूक्रेन को कमजोर करना। ये तो रही युद्ध की बात और रूस की तरफ से रणनीति की बात, लेकिन विकास भदौरिया हमारे संवाददाता रोमानिया में मौजूद हैं और भारत के नज़रिए से इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है कि वहाँ फंसे भारतीय छात्रों को कैसे घर वापस लाया जाए। हम एबीपी न्यूज़ पर आगे चलेंगे रोमानिया, विकास भदौरिया से इस सिलसिले में बात करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।